नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हमेशा से कहा जाता रहा कि 21वीं सदी आएगी तो बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत कुछ बदला, लेकिन नहीं बदली तो राजनीति। मंडल की राजनीति के दौर को भी देश ने देखा है, कमंडल की राजनीति के दौर को भी देखा है, लेकिन आज के दौर पर अगर सीधे तौर पर देखिए तो आपको मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति दिखेगी, जहां विकास की बातें अहम रहती हैं, सभी पार्टियों और वोटरों के एजेंडे पे वहां पर जाति धर्म की बात आखिर आती कहां से है, और आती है तो कितनी निर्णायक हो जाती है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घबराए हुए हैं, डर गए हैं। कांग्रेस के शाहजादे की उनकी विदेश यात्राओं का राज खुल गया है। वहां से कांग्रेस के शाहजादे के एक एक्सरे मशीन लाए और पब्लिकली बोलते हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद देश का एक्सरे किया जाए। मंगल सूत्र भी ले लेंगे और एक मामूली आदमी सड़क पे भी ऐसा बात नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर है देश का। जिन लोगों ने कर्नाटक में पिछड़ों का आरक्षण छीना है, दलित पिछड़ों का आरक्षण धर्म के नाम पर बांटना चाहता है। एक दिन अगर अंकल जी ने आपको ऐसी बात कही, सावधान हो जाओ, क्योंकि एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है कि एक एक्सरे की मशीन लाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? जातिगत राजनीति देश का चुनावी चरित्र है, लेकिन जब उसमें धर्म और मजहब भी शामिल हो जाता है तो वो शेष मुद्दे गौण हो जाते हैं। राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर क्षेत्रीय दलों तक चुनावी राजनीति एक अलग ही रूप ले लेती है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस बनारस की सरजमीन में खड़े होकर क्या बिस्मिल्ला खान घुसपैठी थे? बताओ, क्या आप घुसपैठी हैं? संपत्ति नए কিন্তু মিছিল শান্তির জন্য করি, আমরা মিছিল প্রার্থনার জন্য করি, মিছিল দীর্ঘায়ুর জন্য করি, মিছিল শান্তির জন্য করি। আমার কাছে ছবি আছে, মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা কমিউনিটির লোকেদের। দু চরণ কি ভোটিং হো চুকি হ্যায়, পাঁচ চরণ কি ভোটিং বাকি হ্যায়। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ये चुनाव नाक का सवाल है। अपनी अपनी जीत के लिए साम दाम दंड भेद की हर नीति चुनावी दांव में शामिल है। जो जनता की भावनाओं से जुड़े मुद्दे हैं, उनका बोल बाला है। जाति से धर्म और धर्म से आरक्षण पर जंग है। ये है कि हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण में से कुछ हिस्सा काट करके ये मुस्लिम को देने का कुछ प्रयास करने का है। क्या आप इसको सफल होने देंगे? क्या हिंदुओं के हक में डकैती डालने की छूट देंगे? क्या पर्व त्योहारों पर चढ़ा चुनावी चालों का रंग है? रामनवमी का दूसरा राज्य मुर्शिदाबाद घटना আমি যদি বলি পরিকল্পিত ঘটনা, পরশু দিনের ঘটনা ঘটিয়েছিল কারা? আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বিজেপি, একই জায়গায় তারপরের দিন গিয়ে প্রথম অ্যাটাক করলো কারা? বিজেপি এমএলএ নে ऐसा ভাষণ দিয়া কি ও প্রভোক কর রহি থি। আপনি দেখা হোগা উনকে ভাষণ কা স্বর থা, ও ক্যা থা? ও মুখ্যমন্ত্রী হ্যায়, সবকো লেকার চলনা চাহিয়ে না। तो ये ठीक नहीं है, और आप देख रहे हैं कि वहां पहले भी हनुमान जयंती पर हमला हुआ था, तो बंगाल में ये सब क्यों होता है? संविधान चुनावी मुद्दा बनकर प्रचार के निशाने पर है। संविधान ने ही आपको अधिकार दिया, तो इसको बदलने का क्या मतलब है? इसको बदलने का एक ही मतलब है बहनों और भाइयों, कि ये लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं।
कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। धर्म मजहब को लेकर आपस में नियतों पर शंका है, विचारों पर आपत्ति है, जनता के बीच अपने दावे हैं, घोषणा पत्रों में अपने अपने वादे हैं। चरण दर चरण चुनावी लड़ाई तेज होती जा रही है। 18वीं लोकसभा का चुनाव प्रचार प्रचंड होता जा रहा है और बढ़ती जा रही है धार्मिक मुद्दों की तपिश। कहा जाता है जब एक उंगली सामने वाले की तरफ उठाई जाती है तो तीन उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती, और इसीलिए भले ही सांप्रदायिक होने का इल्जाम सभी पार्टियां एक दूसरे पर लगाती हैं, लेकिन वो तीन उंगलियां उनकी ओर क्या इशारा करती हैं ये पार्टियां भली भांति समझती हैं। दरअसल 2024 के चुनाव हैं, लेकिन 2009 के एक बयान से तहलका मचा हुआ है। बयान है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा, ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। राजनीति में गड़े मुर्दों की एक्सपायरी डेट कभी नहीं होती। जब जब चुनाव आते हैं पुराने मुद्दे नई पैकिंग में प्रचार सभाओं में गूंजते हैं। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान 2024 के चुनाव में गूंज रहा है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को आज के चुनावी संदर्भ में रखते हुए बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस इस मामले पर आक्रामक। हम जो बात उठाते हैं वो इसलिए उठाते हैं कि कांग्रेस का और इंडी अलायंस का जो विशेष डिजाइन है वो जनता के सामने आए, वो जनता के सामने एक्सपोज हो, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन कोई जातिगत समीकरण को बैठा करके एक समुदाय को साथ रखना नहीं, हमारा फिर भी प्रिंसिपल सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास है। तुम्हारा समाज जाति आधारित है तो हमारे देश में जाति आधारित सब चीजें होते हैं, और आप हमको बोल रहे हैं कि तुम क्यों कर दे। अब नेशनल लेवल का जो अगर पर्सपेक्टिव देखे, सच्चाई जानने के लिए हम कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पर छिड़ी चुनावी लड़ाई सिर्फ एक मुद्दे की तरह सीमित नहीं बल्कि विचारधाराओं के टकरावों को शामिल कर रही है। वोटों के तराजू में मुद्दा रखा है। 2006 के बयान का मुद्दा 2009 के बयान तक आ गया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मैं देख रहा था बिना सबूत बिना जानकारी बिना फैक्ट चेक किए एकदम से मोदी पर हमला बोलने के लिए नए नए शब्दों का श्रृंगार कर रहे थे। आज वीडियो सामने आ गया है। मेरा तो मीडिया से आग्रह है कि वो इस वीडियो मनमोहन सिंह जी के वीडियो को देश को दिखाने की हिम्मत करें, जरा देश की जनता को जागरूक करें। नहीं करेंगे, ये इनका इकोसिस्टम है, देखना आप शाम तक गोलमोल करके डिब्बे में बंद कर देंगे। आई डिड नॉट से डिसेंटिंग, आई सेड माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली द मुस्लिम माइनॉरिटीज, इफ दे आर
poor, they have prior claims on the resources of the village. I use the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. मुद्दा पुराना है, जाति धर्म सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति का दांव भी पुराना है। आने वाले 5 चरणों के चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये फेज दर फेज और स्पष्ट होता जाएगा। किसी भी चुनाव को जीतने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला पार्टियों के लिए होता है, जिस जाति का दबदबा उस सीट पर है उसके कैंडिडेट को वहां से टिकट थमा दिया जाए। जो उम्मीदवार होते हैं वो भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि उनके हिस्से में कितने प्रतिशत किस जाति और किस धर्म का वोट आ सकता है, और यहां से भी मजहबी रूप चुनाव का बनते जाता है। चुनावी संग्राम में अपने अपने पासे हैं, अपनी अपनी चाल है, लेकिन सब जिस पर नाच रहे हैं वो जनता की ताल है। पहले चरण में 102 सीटों पर कुल मतदान 64% हुआ था। यूपी बिहार में मतदान प्रतिशत कम रहा। 2019 में इन सीटों पर 70% से अधिक मतदान हुआ था। दूसरे चरण की 88 सीटों पर मतदान और कम रहा। दूसरे चरण में कुल 63% मतदान हुआ। यूपी और बिहार में यहां भी मतदान कम रहा, जबकि 2019 में इन्हीं सीटों पर भी 70% से अधिक वोटिंग हुई थी। वोटिंग के प्रतिशत को आधार बनाकर चुनावी दलों के मुखिया अपने अपने जाति समीकरणों और धार्मिक वोट बैंक को समझते हुए दावे करने में जुट गए हैं। दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि मुल्क के प्रधानमंत्री लोगों को दिशा भूल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत की जनता अच्छे तरह से समझ गई है कि इनको इनकी बातों में कितनी वास्तविकता है, और वो एक अपना सही फैसला देंगे। दरअसल चुनावी राजनीति में जीत और हार का आधार जातियों और धर्म की गोलबंदी पर टिका है। सभी दलों का स्पष्ट दावा होता है कि जाति धर्म के ऊपर वो विकास की राजनीति को वरीयता देते हैं, लेकिन चुनावी तस्वीर कुछ और नजर आती है। कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काट दिया, हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार छीन लिया। इस चुनाव को वो लोग किसी भी सूरत में हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतने की बात करना चाहते हैं, लेकिन जनता इस वक्त मुद्दों पर बात कर रही है। इन दिनों मुस्लिम तुष्टीकरण या हिंदुत्व को लेकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोप प्रचार सभाओं और रैलियों में बुलंद हो रहे हैं। अभी तक क्या है मुस्लिम प्रत्याशियों की स्थिति, वो देखिए। समाजवादी पार्टी ने अब तक 57 उम्मीदवारों का ऐलान किया, उनमें 4 मुस्लिम। बीएसपी ने 45 उम्मीदवारों का ऐलान किया, उसमें 11 मुस्लिम उम्मीदवार है। लालू की पार्टी आरजेडी ने अब 2 मुसलमानों को टिकट दिया है। टीएमसी ने 42 उम्मीदवारों में से 6 मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने 1 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। केरल के मलपुरम से अब्दुल सलीम मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने अब तक 1 भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस के लिस्ट में अभी तक 1 भी मुस्लिम प्रत्याशी का नाम शामिल नहीं है, लेकिन राजनीति के दायरे में मुस्लिम हितों की बात सबके एजेंडे में है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए ओबीसी और एससी एसटी के अधिकारों को खत्म करने की तैयारी कर रही।
बीजेपी अपने आरोप का आधार कांग्रेस नेता के बयान और मैनिफेस्टो को बताती है। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। बीजेपी इसको लेकर इतनी हमलावर है कि चुनावी लड़ाई इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। आरक्षण के विषय में हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे ओबीसी के लोग, इनके रिजर्वेशन पर डाका डालकर, धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देकर के मुस्लिम तुष्टीकरण का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। ओबीसी और दलित वोट बैंक की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको लेकर हर दौर में चुनावी युद्ध जरूर हुआ है। युवाओं को न्याय दिलाना, नारी न्याय दिलाना, श्रमिक न्याय दिलाना और एससी एसटी को न्याय दिलाना और हिस्सेदारी या भागीदारी बोलो, उसके लिए हम जनगणना करना चाहते हैं। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस बार बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। अब जाति की लड़ाई का प्रमुख हथियार आरक्षण धर्म की शरण में है। दरअसल कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था है, इसमें मुस्लिम्स को ओबीसी जातियों के साथ रखकर आरक्षण दिया गया है। अब यह भी एक चुनावी मुद्दा है जिसमें जाति और धर्म का मजबूत जोड़ होने का आरोप है। रिगार्डिंग टू आर्टिकल 15 एंड 16, दोस हु आर नॉट गॉट द अपॉर्चुनिटीज एंड दोस हु आर बैकवर्ड सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड, सच पीपल आर एंटाइटल्ड फॉर द रिजर्वेशन, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। There is no mention of Hindu or Muslim or Sikh or any. All citizens of the country are entitled for the reservation. इस बार जाति और धर्म एक साथ मिलकर बिल्कुल नया विरासत पर अधिकार की जंग का मुद्दा छेड़े हुए हैं। राजनीतिक दल न जातियों का मोह छोड़ सकते हैं, न धर्म मजहब का वोट बैंक। चुनाव का पहला दौर जब तक पूरा हुआ तब तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भी जंग छिड़ गई। हम उस मैनिफेस्टो के वो अंश भी दिखाते हैं जिसे लेकर सांप्रदायिकता के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आने के बाद से ही बीजेपी उस पर हमलावर है। जो चुनाव प्रचार पहले राम मंदिर निर्माण, विकास जैसे मुद्दों पर आगे चल रहा था, वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो आने के बाद से ही बदल गया। हमारे सामने वाले की मंशा है, उसको सामने रखना यह हमारी जिम्मेवारी होती है। और प्रधानमंत्री जी ने बखूबी इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आपका जो इल इंटेंशन है, जो इविल इंटेंशन है, जो आपका आपका आपकी नियत जो में खोट है, वह जनता के सामने स्पष्ट रूप में जाना चाहिए। पीएम मोदी अपनी तमाम रैलियों में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हमलावर है। उन्होंने घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगा दिए। भारत के खिलाफ ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की, गुनहगार
मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। लेकिन यह पूरा विवाद क्या है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों को लेकर क्या कहा गया है, हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। पेज नंबर 28 के पॉइंट 21 में कहा गया, कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। पेज 8 के पॉइंट 8 में लिखा है, कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। ये सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे। पेज 8 के पॉइंट 7 में लिखा है, कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खानपान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो। पेज 8 के पॉइंट 6 में लिखा है, कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। पेज 8 के पॉइंट नंबर 3 में लिखा है, कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता देगी। पेज 24 के पॉइंट 5 में लिखा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों और महिलाओं को अधिक संख्या में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पेज 7 के पॉइंट 23 में लिखा है, कांग्रेस एक विविधता आयोग की स्थापना करेगी जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार और शिक्षा के संबंध में विविधता की स्थिति का आकलन करेगी और बढ़ावा देगी। घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को लेकर लिखी बातों को लेकर ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। उनका प्रयास हमेशा इस बात के लिए रहा है कि माइनॉरिटीज़म मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण, और वो एक इसको वोट बैंक की तरह देखते हैं, और उनको उनको कोई उनसे कोई लगाव है या मोहब्बत है ऐसा कुछ नहीं है। जितना काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है मुस्लिम भाइयों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए, उतना किसी सरकार ने नहीं किया है। कोई सरकार ऐसी स्कीम्स लेकर नहीं आई जिससे हमारे मुस्लिम भाइयों का आर्थिक विकास हुआ हो। वही कांग्रेस की इस मुद्दे पर अपनी दलीलें हैं, अपनी सफाई है। क्या आप ऐसी बातें बोल के नेशन को डिवाइड करना चाहते हैं? ठीक है कि हम जो घोषणा पत्र तैयार की, ये क्या मुसलमानों के लिए की है? जो सबको मिलेगा उसको भी मिलेगा, तुम सेकेंड क्लास सिटीजन बना के तो नहीं रख सकते ना। पांच चरण का चुनाव बाकी है, करीब महीने भर का प्रचार भी बाकी है। ऐसे में हर उस मुद्दे को सुलगाया जाता रहेगा जिससे वोटरों में असमंजस की स्थिति पैदा हो और राजनीतिक पार्टियों को लाभ पहुंचे। 1992 के बाद से हिंदूवादी संगठन ये नारा लगाते रहे कि अयोध्या तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी इसके इर्द गिर्द केंद्रित रही। 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उस समय देश भर के सभी हिंदुओं में एक जोश देखा गया। पर क्या 2024 के चुनावों में भी ये एक अहम मुद्दा सबके मन में है? कांग्रेस पार्टी और उनके सारे चट्टे बट्टे राम मंदिर को रोकने के लिए 70 साल तक कोशिश करते रहे। जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को रोका और राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार किया, उनके बीच में और राम भक्तों के बीच में आपको चयन करना। राम मंदिर अच्छा लगा है? हाँ हाँ, बन गया है राम मंदिर? जा पाई हैं अभी तक? ना ना, जाने का मन है? हाँ। आप अयोध्या गई? हाँ जी गई। कैसा लगा राम मंदिर? बहुत अच्छा लगा हमें, मतलब वहाँ रहना, खाना पीना, सुविधा बहुत अच्छी है। किसको जाता है इसका क्रेडिट? इसका क्रेडिट तो प्रधानमंत्री जी को जाते हैं, जितने कार्य वो करते हैं, वो बनाने वाले सब। सबसे बड़ी कामयाबी सरकार की आपके? करप्शन के अगेंस्ट और राम मंदिर। हम सनातनियों का जो सपना था राम मंदिर, 500 बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ा मुद्दा है वो पूरा हो रहा है। विपक्ष के लिए मथुरा बाकी है, वहाँ तैयारी करें।
सबसे बड़ी कामयाबी तो अभी राम मंदिर का निर्माण होना, सबसे बड़ी कामयाबी सब दिख रहा है, भगवान राम का मंदिर। हम सब सनातन धर्म के लोग हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण का वादा बीजेपी के घोषणा पत्र में कम से कम 3 दशक से था। हर बार हर चुनाव में बीजेपी के सामने मंदिर का प्रश्न आता था। अब जबकि मंदिर बन चुका है तो बीजेपी अपने प्रचार को मंदिर से जुड़े सवालों के जवाब से धार दे रही है। प्रभु श्री राम का बिल्कुल एक पूरे आपके घर की लंबाई में मैं पोस्टर देख रही हूँ। राम जी का भी नाम लेके आप अपने लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। देखिए, जब भगवान श्री राम के रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय कार्यकर्ताओं ने लगाया था, लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में 500 साल के बाद में बनना, ये समाज के लिए इतनी बड़ी घटनाएं हैं, इस देश के लिए इतनी बड़ी घटना है कि इतनी बड़ी घटनाएं चुनाव से अलग तो नहीं की जा सकती और अलग हो भी नहीं सकती। करोड़ों राम भक्तों के लिए श्री राम लला मंदिर सदियों की प्रतीक्षा का प्रसाद है, लेकिन क्या चुनावी घोषणाओं के बाद और प्रचार की तेजी के बावजूद क्या ये वोटिंग के लिए जनता के बीच रहने वाला मुद्दा है? ये सनातनों के लिए बहुत बड़ी चीज थी, जो कि कभी जब कभी बात होती थी कि मंदिर बनेगा या 370 हटेगी तो कहा जाता था खून की नदियां बह जाएंगी। खैर, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने संभाला है काबिले तारीफ है। सभी ने देखा कि 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ और उसका भव्य तरीके से प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। तो ये हमेशा विरोधी कहते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो तारीख सबको पता चल गई, 22 जनवरी को बन गया और सरकार ने राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छा गया। इनको कभी कोई छू तक नहीं सकता, खत्म करने की तो बात बहुत दूर है। 370 है, राम मंदिर है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है, और जिस तरीके से अब लगता था कि मथुरा का विषय छूना भी राजनीतिक दलों के लिए बहुत मुश्किल विषय है, लेकिन आज के समय पे लग रहा है कि कब वो मथुरा का विषय आए और कब खत्म हो जाए और कब कहा जाए कि वहाँ पर लड्डू गोपाल विराजमान हो गए हैं। मंदिर का मुद्दा हिंदुत्व से सीधे तौर पर जुड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी का कोई नेता मंदिर या किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाता है तो विपक्ष इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोप की दृष्टि से देखता है। बीजेपी इसे हिंदुत्व विरोध की राजनीति से जोड़ देती है और इस तरह ये विचारधाराओं का टकराव बन जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बारी आई है तो हमारे आराध्य याद आए, अरे जो भगवान के साथ भी छल कर दे वो इंसान का क्या खाक हो पाएगा। जब भगवान बुलाएंगे, जब श्री राम भगवान बुलाएंगे। विपक्ष आरोप लगाता है कि 10 साल में काम किया है तो मंदिर का मुद्दा क्यों? भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनाना चाहते, ये उस भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। इनके लिए आस्था वोट है। और कौन नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि भगवान राम श्री राम जी का मंदिर को रोक ले। इसलिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ और लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन झूठ बोलने वालों से जनता सावधान रहना, आपको धोखा दिया है। बीजेपी की दलील रहती है कि मंदिर की विरासत को सजोना भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते विकास की एक कड़ी है। मोदी का मंत्र है विकसित भारत के लिए 2400 घंटे काम, बिना रुके बिना थके 2400 घंटे काम, 24/7 और 2047। मंदिर निर्माण के साथ बीजेपी मोदी है तो मुमकिन है कि नारे को मजबूती देने में जुटी है। विपक्ष मंदिर के मुद्दे पर अपने वोट बैंक की नब्ज टटोलने में लगा है। जनता के बीच मुद्दा है, वोटिंग के समय कितना असर रहेगा इसकी समीक्षा नतीजों से होगी।
एक तरफ सांप्रदायिक राजनीति का आरोप, दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप, और इन्हीं दो छोर के बीच कहीं झूलती रहती है हमारी चुनावी राजनीति। हम आपको दिखाते हैं कि देश में लोकसभा के कितनी मुस्लिम बहुल सीटें हैं और क्या वाकई आज भी मुसलमान एक मुश्त एक वोट बैंक की तरह वोट करते हैं। कौन आपके लिए खड़े रहेंगे मजबूती से? मेरे साथ सबसे पहले तो मुसलमान एक एक वोट मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। माननीय बहन जी का ऐसी वोट जो है वो पूरे तरीके से मजबूती के साथ खड़ा है मेरे साथ। तो हमारा बहुत बड़ी तादाद, दो वोट की बहुत बड़ी तादाद हो जाती है, उसके साथ साथ हमें तमाम पिछड़ों का भी वोट सहयोग मिल रहा है। चुनाव आते ही ये सवाल उठने लगते हैं कि मुसलमान किसे वोट करते हैं, क्या मुसलमान एकजुट होकर वोटिंग करते हैं, मुसलमानों की वोटिंग के मुद्दे क्या होते हैं, मुस्लिम वोटों के लिए क्या तुष्टिकरण की नीतियां अपनाई जाती हैं, क्या मुस्लिम वोटर्स की संख्या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के काम आती है। चुनावी गणित बिठाया जाने लगता है कि किस राज्य में एम फैक्टर कितना मजबूत है। कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मजाहरे कर रहे हैं। इस बार भी चुनाव आते ही हिंदुत्व की राजनीति और मुस्लिम तुष्टिकरण का मुद्दा सतह पर आ चुका है। इस बार भी हिंदुत्व मुद्दा है, मुसलमान भी मुद्दा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण मुद्दा है और तुष्टिकरण भी मुद्दा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है और कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लाभ में जबरदस्ती मुस्लिमों को घुसेड़ करके और उनके अधिकार में बंदरबांट करने और उसमें लूट करने की शुरुआत प्रारंभ की है, ये सभी संदेह पैदा करता है। देश की आजादी के बाद मुस्लिम कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे। 90 के दशक में मंडल कमंडल की राजनीति के बाद मुसलमानों को यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी का वोटर माना गया। पश्चिम बंगाल में भी मुसलमानों को पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और अब टीएमसी का वोटर माना जाता है। রাম নবমীর আগের দিন কেন আপনারা হঠাৎ করে ডিআইজি কে সরিয়ে দিলেন এই প্ল্যানটা করবার জন্য যে পরের দিন নাটক করে বেড়াবেন? পিছলে 10 সাল মে আগর মুসলিম ভোট কা প্যাটার্ন দেখা যায় তো 2019 মে মুসলিম ভোটার বহুল 92 সিটো পর एनडीए को 45 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 41 सीटें हासिल हुई थी। वहीं दूसरी तरफ यूपीए को 2019 के चुनाव में 18 सीटें ऐसी हासिल हुई जो मुस्लिम बहुल थी। साल 2014 में यूपीए को 15 मुस्लिम बहुल सीटें मिली थी। ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की मौजूदगी 20% से ज्यादा है। अब अगर बीजेपी के साथ मुस्लिम वोटर्स की स्थिति को समझने की कोशिश की जाए तो मुस्लिम आबादी का वोटिंग पैटर्न इस तरह दिखता है। 2014 में बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को 38%। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फिर 8% मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया, कांग्रेस को इस बार 33% मुस्लिम वोट प्राप्त हुए थे। यानी बीजेपी को लेकर मुस्लिम मतदाताओं की स्थिति में बदलाव नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस के मुस्लिम वोट कम हुए। अब अगर ये बीजेपी को नहीं मिले तो फिर कहां गए? क्षेत्रीय पार्टियों के पास इसका जवाब मिल सकता है।
मुसलमान वोटर्स के हिसाब से सबसे बड़ी संख्या पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में 28 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुसलमानों की वोटिंग का प्रभाव सीधा है। 2019 के आम चुनाव में इन 28 सीटों में 17 सीटों पर ममता की पार्टी टीएमसी ने जीत हासिल की थी। मुस्लिम समाज के बारे में माना जाता है कि वो जातियों से ऊपर उठकर अपनी धार्मिक पहचान के आधार पर वोट करता है। शाहबानों का मुद्दा हो या फिर यूपी बिहार जैसे राज्यों का मुस्लिम यादव समीकरण, मुसलमान वोट मुसलमान पहचान के साथ ही जुड़ा माना जाता है। जब मैं पसमंदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमंदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने पसमांदा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाकर एक वर्ग तैयार करने की कोशिश की है, लेकिन इसका असर वोटिंग पर कितना पड़ेगा ये चुनाव के नतीजे बताएंगे।